हिमाचल में 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें देहरा विधानसभा सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है, जिसकी खास वजह है मुख्यमंत्री की पत्नी का वहां से चुनाव लड़ना। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर की पत्नी कमलेश ठाकुर ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर लिया है। इस मौके पर जहां एक ओर भाजपाई अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेसी भी अपनी जीत को सुनिश्चित करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार कमलेश ठाकुर का सीधा मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार होशियार सिंह से होगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि होशियार सिंह ने पिछले 5 सालों में देहरा के विकास में कोई कमी नहीं रखी, भाजपा की जीत पक्की है। देहरा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होशियार सिंह जी ने बहुत बेहतर ढंग से किया और ये इतिहास का हिस्सा है कि लगातार 2 बार निर्दलीय विधायक चुन करके आना ये सहज रूप से कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। जिसको लोग चाहते हैं, लोग पसंद करते हैं, लोगों को जिन पर भरोसा है, वही जो है वो बार बार इस प्रकार से चुन करके आ सकते हैं। और अब की बार पार्टी ने तय किया कि उनको, जब इन हमारी मदद की एक मामले को लेकर के, तो हमारा नैतिक दायित्व बनता, तो हमने पार्टी का टिकट दिया और पार्टी के प्रत्याशी के नाते चुनाव लड़ रहे हैं और जीत हासिल करेंगे निश्चित रूप से। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह को भी निशाने पर लिया। जयराम ठाकुर ने उपचुनाव में होने वाले हजारों रुपए के खर्च के लिए मुख्यमंत्री को जिम्मेवार ठहराया। साथ ही विधायकों के कांग्रेस छोड़ने की वजह मुख्यमंत्री का विधायकों से सही व्यवहार ना होना बताया गया। देखिए, इन सारी चीजों का मैंने पहले साथ ही कह दिया है कि अगर ये हालात पैदा हुए हैं, ये उनके मुख्यमंत्री के व्यवहार के कारण, विधायकों को नहीं मिलना, विधायकों से बात नहीं करना, उनको विश्वास में लेकर के काम नहीं करना, उनके विकास के कार्यों को रोके रखना, इन सारी चीज़ों के कारण तो नाराजगी हुई है। और उसके बाद विधायक ही नहीं, विधायक के साथ साथ में अब स्थिति ये है आ गई है कि भाई उनके जो पार्टी के जो पदाधिकारी कोषाध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगाए और वो आरोप सहज रूप से नहीं लगा सकते, और जिनके बारे में ये कहा कि ये चुनाव नहीं जीत सकते, और मुझे मालूम नहीं कौन सा सर्वेक्षण हुआ, किस प्रकार का सर्वेक्षण हुआ जिसमें जो है वो जो अभी कैंडिडेट बनाई गई हैं यहाँ से, उनकी धर्मपत्नी, वो सबसे ऊपर आई हैं। इस पर प्रश्न कई लोग खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, कई लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। बता दें कि कुछ ही दिन पहले डॉक्टर राजेश शर्मा ने भी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन अब सुखविंदर सिंह ठाकुर डॉक्टर राजेश शर्मा को मनाने में कामयाब हो गए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री ने नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए अपनी ही गाड़ी में डॉक्टर राजेश शर्मा को बिठाकर नामांकन दाखिल करवाने पहुंचे। इसके बाद अब ये तो स्पष्ट हो गया कि डॉक्टर राजेश शर्मा आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव नहीं लड़ेंगे। पूरे समाचार के लिए कांगड़ा से रविंदर चौधरी की रिपोर्ट।